मरवी है। अब देखो इस हदीस से इसरात की फजीलत साबित होती है।
लेकिन इस रात में अल्लाह तबारक व तआला गोया कि मगफिरत करते हैं, बख्शिश करते हैं अपनी मखलूक की। दूसरी रिवायत में है कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूकात की बख्शिश और मगफिरत करते हैं सिवाय सात बंदों के, कि सात बंदों की अल्लाह तबारक व तआला इस रात को भी बख्शिश और मगफिरत नहीं करते। उनमें से पहला आदमी मुशरिक है, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराता है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी गुनाह है उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात को अगर कोई आदमी शिर्क करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा वो बंदा है कि जो वालिदैन का नाफरमान है, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, नाफरमानी करता है, इस रात में सारी मखलूक की बख्शिश हो जाती है, लेकिन वालिदैन के नाफरमान की गोया कि मुशरिक के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के नाफरमान को भी मिलाया। तीसरा आदमी कीना परवर, तो कीना रखने वाला है और दिल में बोहोस हसद कीना, और दिल उसका बिल्कुल अंदर से हर आदमी के लिए बुरा है। जैसे मुआशरे में होता है कि हर आदमी दूसरे के साथ कीना करता है कि भाई ये अच्छा क्यों पहन रहा है, अच्छा क्यों खा रहा है, और वो कीना परवर आदमी जो कीना करता है वो आप नहीं करता किसी को। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कि जो दूसरे को माफ़ करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, तो कीना परवर आदमी की मगफिरत इस रात को नहीं होगी। चौथा आदमी वो है कि जो शराबी है, शराब पीता है। शराब पीने वाले आदमी आमतौर पर शराब को छोटा और मामूली गुनाह समझा जाता है, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह की वजह यह है कि शराब पीने के बाद बंदा अच्छे बुरे की तमीज़ खो देता है, उसको अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता। बस औकात शराब के नशे में उसके मुंह से इस तरह के कलिमात अदा हो जाते हैं कि जो कुफ्रिया कलिमात होते हैं। तो चौथा आदमी वो है कि जो शराब पीने वाला है। अगला बंदा है कातिल, कत्ल करने वाला, तो किसी को कत्ल करता है। कातिल की इस रात को बख्शिश और मगफिरत नहीं होती। अगला बंदा है शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, तकब्बुर की वजह से, गोया कि मुतकब्बिर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जो शलवार को टखनों से नीचे लटकाना ये तकब्बुर की बहुत बड़ी अलामत समझी जाती है, और उसमें लोग तकब्बुर करते थे कि और अगर किसी की शलवार ऊंची होती थी तो उसको मामूली आदमी समझा जाता था। तो अगला बंदा है कि जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाता है। और अगला बंदा है चुगलखोर, चुगली करने वाला, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाने वाला। इसकी भी अल्लाह तबारक व तआला इस रात को मगफिरत नहीं फरमाएंगे। ये सात आदमी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस रात को अल्लाह तबारक व तआला सब की बख्शिश फरमाते हैं, मगफिरत फरमाते हैं, लेकिन इन सात आदमियों की अल्लाह तबारक व तआला इस रात को भी बख्शिश और मगफिरत नहीं करता। चुनांचे इस रात में जाने से पहले अगर हम में से कोई बंदा किसी एक भी बुराई में मुब्तला है तो तौबा कर ले, अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले। अगर शिर्क है कहीं, कोई शिर्क में, शिर्क असगर में है, शिर्क अकबर में है, तो वो तौबा कर ले कि अल्लाह मैंने तेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया। इसी तरह अगर कोई कीना है किसी के साथ, दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, उसको ख़त्म कर ले। शराब पीता है तो तौबा कर ले शराब से, चुगलखोरियाँ करता है तो मुआफ़ी मांग ले अल्लाह तबारक व तआला से, ये गुनाह है। अब ये रिवायात है। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत में है
अगरचे वो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है कि 15 शाबान को रोजे रखने का उसमें तस्करा है। अब हमने क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि 10 अगर शाबान की फजीलत है तो शाबान की फजीलत में रिवायात में 126 अहादीस है, लफ्ज़ शाबान की फजीलत में जो रिवायात है 126, और उसमें अक्सर अहादीस जो शाबान की फजीलत से मुताल्लिक है उसमें अक्सर अहादीस मकबूल के दर्जे में है, यानी सही अहादीस है, या कम से कम हसन के दर्जे में जो अहादीस है अक्सर, यानी इस तरह की रिवायात है शाबान से मुताल्लिक और शबी बरात से मुताल्लिक 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन से इसकी फजीलत साबित है। और उसूल हदीस का फायदा है कि अगर कोई मसला किसी चीज की फजीलत एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच बंदे, और अगर वो सारे 10 तक पहुंच जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर सनद के एतबार से उसमें कोई ज़ौफ हो तो वो 10 बंदों के इज्तिमा से वो जो सनद ज़ौफ है वो उसका खत्म हो जाता है। ये एक गोया कि उसूल हदीस का टेक्निकली मसला है कि भाई अगर एक हदीस सनद ज़ईफ है लेकिन, और सनद ज़ईफ का मतलब यह है कि रावी एक होता है, ये मतलब नहीं होता कि भाई वो कोई नऊद बिल्ला झूठी बात है, मनगढ़ंत है, लेकिन चूंकि रिवायत करने वाला एक होता है अब उस एक आदमी पर एतिमाद वाला मसला होता है, लेकिन जब एक ही रिवायत किसी मसले से मुताल्लिक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 10 सहाबा नकल करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो सब मिला के वो हदीस सेहत के दर्जे में। अब करने के काम क्या है, तीन काम करने के हैं। पहला काम तो ये है कि रातों को, यानी नफली इबादत है, लेकिन एक बात कि नफली इबादत में कोई खास इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अब नफली इबादत में हर बंदे का अपना इंडिविजुअल मर्जी, नवाफिल का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करे, जिक्र अज़कार का एहतमाम करे, अब ये नफली इबादत है। अब जो बंदा वैसे भी शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इबादत करते थे, फिर 15वीं की रात है, शबे बारात है, इसकी और भी अहमियत हो जाती है, तो नफली इबादत का एहतमाम। और नफली इबादत जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 40 रकातें पढ़नी है, 20 रकातें पढ़नी है, 10 पढ़नी है, 25 पढ़नी है, ये सूरत पढ़नी है, वो सूरत पढ़नी है, इसका कोई सबूत नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नवाफिल का, नफली इबादत का एहतिमाम करना है। अब वो नफली इबादत आप जिस तरह करना चाहे आप उस पर अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर देगा और आपको इस रात का जो अजर है वो सवाब है वो अदा करेगा। दूसरी बात जो करने की है कि नफली इबादत ये बंदे का खालिस जाती और उसके रब का मामला है, तीसरा बंदा उसमें मुफिल नहीं हो सकता। नफली इबादत ये बिल्कुल बंदे के अकेले का मामला है, इसलिए नफली इबादत में बाजमात नमाज का एहतमाम शरान दुरुस्त नहीं है। नफली इबादत में जैसा इस तरह लोगों का इकट्ठा होना शरीयत की नजर में भी ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी तहज्जुद का एहतमाम किया और उस तहज्जुद के एहतमाम में कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नहीं आए। आपने सारी जिंदगी तहज्जुद अपने घर में पढ़िए। अब आप अंदाजा लगाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को अल्लाह ने हज का मौका दिया और जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उमरे में जाने की सआदत नसीब की हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है और साथ में बिल्कुल मुत्तसिल मस्जिद नबवी है, गोया कि एक दीवार का फर्क। लेकिन कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं आए नफल के इहतमाम के लिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में नमाज पढ़ी, आप लोगों ने वो हदीस पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा छोटा सा, यानी इतना बड़ा भी नहीं,
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद का एहतिमाम करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे तो मेरे पांव फैले हुए होते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो सजदे में जाते हुए आप मेरे पैर पे हाथ रख के मैं अपने पांव समेट लेती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे और उसके बाद फिर आप सजदे से उठ खड़े होते थे, फिर मैं अपने पांव फैला देती थी। होया कि घर में जगह की इतनी तंगी के बावजूद, इतने मसाइल के बावजूद कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के लिए मस्जिद में नहीं आए, क्योंकि नफल ये आपका और आपके रब का बिल्कुल खालिस मामला है। इसलिए इस रात को अगर नवाफिल का एहतिमाम है तो अपने अपने घर में बिल्कुल अकेले कि आप हो और आपका रब हो और आहुजारी हो और आप हो और आपका रब हो। इसलिए इस बात और अगर कोई बंदा इस रात को इस तरह की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देगा और पिछले सारे जो गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफ कर देगा। दूसरी बात, दूसरा जो अमल है, अगले दिन रोजे का एहतिमाम। रोजे के एहतिमाम से मुताल्लिक मैंने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला का फरमान है, लेकिन सनदन जैसे मैंने कहा उसमें मसला है, लेकिन फिर भी देखो शाबान का महीना है, शाबान के महीने में अय्यामी बीस है, अय्यामी बीस के रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रखते थे 13, 14, 15। इसलिए इस दिन के रोजे का तो सिरे से कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि इस दिन का रोजा नहीं है, तो वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आधे महीने के बाद उम्मत को रोजे रखने से मना फरमाया। तो गोया कि हमारे लिए ये कल का जो रोजा है, ये अगर कोई नफली रोजे का एहतिमाम करना चाहता है तो कल का आदि रोजा है, उसके बाद उम्मत के लिए मना है ताकि कहीं कमजोर ना हो, आगे रमजान के जो फर्जी रोजे हैं उसके रखने पर रहा जैसे कहीं कमजोरी बाकी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखते थे, आखिर तक आप पूरे शाबान के रोजे रखते थे, लेकिन उम्मत को 15 रमजान के बाद रोजे रखने से मना फरमाया कि उम्मत के लोग 15 रमजान के बाद रोजे ना रखे ताकि वो कमजोर ना हो। अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी हो, पीछे जो 15 रोजे हैं अगर कोई बंदा रखना चाहता तो रख सकता है, लेकिन अगर नहीं रखे तो कम से कम कल का रोजा रख ले, तो दो जन फजीलत है, एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अय्यामे 20 के रोजे, और फिर आपको जो शबे बारात के जो दिन का 15वीं शाबान का जो रोजा है ये जना रोजा रखने की गुंजाइश। तीसरा जो अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्रिस्तान से जाने के मुताल्लिक वाली जो रिवायत है जो मैंने सुनाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि इस दिन इस रात को एक मरतबा कब्रिस्तान में गए अपनी पूरी जिंदगी, एक ही मरतबा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान। अगर कोई आदमी जिंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान जाके इस रात को इस नियत से कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा गए हैं, मुझे भी आपकी ताबेदारी आपकी सुन्नत पर अमल करने का मौका मिला है, तो उसको अजर और सवाब मिलेगा। और अगर कोई आदमी हर शबे बरात को रात को कब्रिस्तान जाता है तो जाने में कोई हरज, लेकिन हर शबे बारात को कब्रिस्तान जाने को सुन्नत समझना, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जितना है, जितना आपने किया है उतने ही पर अमल करना कि आप जिंदगी में एक मरतबा गए, होया कि एक मरतबा जाना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुन्नत और सुन्नत का सवाब। लेकिन अगर कोई आदमी जाता है, वैसे तो कब्रिस्तान साल में एक मरतबा अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर दिन रोजाना के हिसाब से, अगर रोजाना बंदा नहीं जा सकता तो हफ्ते में एक मरतबा, नहीं तो महीने में एक मरतबा जाके उनके लिए दुआए मगफिरत करने के लिए बंदा जा सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाए, लेकिन कब्रिस्तान जाते हुए फूल चढ़ाना, चरागाह करना और वहाँ जो दूसरे खुराफात है उससे बचना चाहिए, वहाँ जाके दुआ करनी है मैयत के लिए और उनके लिए दुआए मगफिरत करनी है, और अगर आपका कुरान आपको ज़बानी कोई हिस्सा याद है तो उसकी तिलावत करनी है। ये तीन काम है, एक रात का, रात की जो नफली इबादत है, नफली इबादत, लेकिन
मैंने कहा नफली इबादत का भी अकेले बिल्कुल आपका और आपके रब का जना आपस में ताल्लुक हो, राज़ो नियाज़ हो, बातें हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और रब सबसे जना हम कलाम होते हैं, बात करते हैं। एक रिवायत में आता है हल मिन मुस्तग़फिर, क्या है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, बख्शिश करूँ, है कोई मांगने वाला ताकि मैं उसको अदा करूँ, है कोई अपने गुनाहों को माफ करने वाला ताकि मैं उसको माफ करूँ। इसलिए नफली इबादत, कल का रोज़ा, और अगर कोई आदमी कब्रिस्तान जाना चाहता है तो कब्रिस्तान जाने की गुंजाइश है, और ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िंदगी में एक मरतबा साबित है। अल्लाह मुझे आप सबको समझने आमंत्रित।